चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के कि मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करें। वैसे तो एक थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे सपोज आपको कहीं मैं ये लिख दूँ कि एक्स माइनस थ्री के मॉड्यूलस का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट 1 से 5 तक हमने लिख दी, या 1 से सपोज 7 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिमिट ब्रेक करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था कि आप x की वैल्यू देखिए, यहाँ से मॉड्यूलस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसे 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो 3 के राइट में पॉजिटिव होगा, 3 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा। और जो लिमिट दे रखी है वो 1 से लेकर 7 तक है, तो 1 यहाँ पर होगा 3 के लेफ्ट में और 7 होगा राइट में, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी क्योंकि 3 तक नेगेटिव था, इसलिए 1 से 3 तक तो नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से लिखते हैं, मोड हटाकर माइनस का निशान लगेगा, 1 से 3 तक एक्स माइनस थ्री मोड हट जाएगा, इसे नेगेटिव ले लिया, और फिर 3 से 7 तक, प्लस 3 से 7 तक मोड हटाकर प्लस का निशान ले लिया, और उसके बाद इंटीग्रेशन करके आगे की चीजें आ जाती हैं। इतना मैंने बताया था, लेकिन ये बहुत इनसफिशियंट सी बात है क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन के इंटीग्रेशन में और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। उसके लिए पहले हमें मॉड्यूलस फंक्शन से पहले एक मेथड पढ़ना होगा, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, तो एक बार इस मेथड को डिस्कस करते हैं, ये वेवी कर्व मेथड क्या है, और फिर वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर आपको वेवी कर्व मेथड क्लियर होगा तो आप मॉड्यूलस फंक्शन के इंटीग्रेशन कर पाएंगे। फिर चलिए वेवी कर्व मेथड को देखते हैं। पहले वेवी कर्व मेथड है क्या, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोर्ड पर 4 अलग-अलग टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखी है। आप ध्यान से देखिए, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ दोनों डिनोमिनेटर में आ गई, और यहाँ पर कई सारी एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन हो गया, कुछ होल पावर भी लगी हुई है। तो ये 4 अलग-अलग हैं, इनसे आपको वेवी कर्व मेथड क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या करता है वेवी कर्व मेथड, ये आपको किसी भी एक्सप्रेशन का साइन प्रोवाइड करता है कि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो कोई भी एक्सप्रेशन किस इंटरवल में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होगी ये उसको हमें बताता है। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी दे रखी है आपको उसको आप 0 रखते हैं, ये एक्सप्रेशन दे रखी है इसे आप 0 के इक्वल मान के, मन में ही मान लेंगे आप 0 के इक्वल, वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि x की वैल्यू -2 आ जाएगी। आप नंबर लाइन पर -2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। नंबर लाइन होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो अब नंबर लाइन के दो पार्टीशन दिखाई दे रहे होंगे, एक हुआ माइनस इंफिनिटी से -2, एक हुआ -2 से इंफिनिटी। नंबर लाइन के पार्टीशन को ही इंटरवल बोला जाता है, तो यहाँ पर दो इंटरवल हो गए, माइनस इंफिनिटी से -2 और -2 से इंफिनिटी। अब इनमें से एक इंटरवल के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक इंटरवल के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब किसके लिए नेगेटिव किसके लिए पॉजिटिव उसको आप यहां से डिसाइड करेंगे कि आप इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू डिसाइड करें। जैसे -2 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक हल्की फुल्की वैल्यू, जैसे 0, 0 इनके बीच में ही तो आएगा, 0 इस इंटरवल में आएगा, आप 0 उसमें पुट करके देखें, 0 पुट करने पर क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इस इंटरवल के बीच की एक वैल्यू डिसाइड कर ले, जैसे -3 हो गई, -3 यहाँ पर रख के देखें तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव मिलेगी। तो अब हमें पता चल गया कि माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की आप कोई भी वैल्यू लो, सबके लिए नेगेटिव रहेगी ये एक्सप्रेशन। -2 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये एक्सप्रेशन सबके लिए पॉजिटिव रहेगी। एक तो ये आ गया। अब बिल्कुल वही सेम काम इसमें होना है कि यहाँ पर भी आप दो लीनियर फैक्टर हैं, दोनों को 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। एक्स की वैल्यू एक तो 1 आएगी और वहां से आएगी -2, 1 और यहाँ से -2। अब नंबर लाइन के तीन पार्टीशन है जी, इसमें देखो तीन इंटरवल बने हुए हैं, माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से 1, 1 से इंफिनिटी तक, तीन बने हुए हैं। तो आप क्या करें, कोई भी एक डिसाइड करें, जैसे 1 से इंफिनिटी है तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 आ जाता है, तो आप 2 रखें, x की वैल्यू 2 के लिए देखिए ये एक्सप्रेशन कैसी आएगी। जैसे ही 2 रखेंगे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 रखने पर ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x की जगह 2 और 2 रखोगे प्लस का 4 आएगा, x की जगह 2 रखते ही प्लस का 1 आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस हैं तो मल्टीप्लाई होने पर प्लस ही आ जाएगा।
फिर माइनस टू और वन के बीच का कुछ सोचिए आप, माइनस टू और वन के बीच का जैसे जीरो होता है, जीरो इसमें रख के देखिए, जीरो रखने पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई से माइनस आ जाएगा। फिर माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के बीच का आप देखेंगे जैसे माइनस थ्री, माइनस थ्री रखने पर ये नेगेटिव और माइनस थ्री रखने पर ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप नोटिस करना अल्टरनेट चलता जा रहा है ये, प्लस माइनस वगैरह। तो इसमें हमने देखा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक पॉजिटिव, माइनस टू से वन तक नेगेटिव, और वन से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव। ओके, वो इस सेम प्रोसीजर डिनोमिनेटर वाली में भी होता है। अगर इस थर्ड की मैं नंबर लाइन बनाऊं तो इसमें भी काम तो वही होना है कि नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। पहले वन बाई वन इन्हें जीरो के एक पर रख के एक्स की वैल्यू निकाल लो। जैसे ऊपर से एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आएगी और नीचे से एक्स की वैल्यू टू आएगी। ऊपर वाले को जीरो रखोगे तो माइनस थ्री, नीचे वाले को जीरो रखोगे तो टू हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या होना है, टू से इन्फिनिटी, माइनस थ्री से टू, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, तीन पार्टीशन हुए। टू से इन्फिनिटी वाली आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे थ्री ले सकते हो आप, इसमें एक्स की जगह थ्री रखो, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा तो प्लस आ जाएगा, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव तो प्लस आएगा। फिर इनके बीच में जैसे जीरो आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में आप जीरो रख के देखिए, जीरो रखने पर ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, जीरो रखने पर नीचे नेगेटिव, प्लस वाले को माइनस वाले से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर प्लस आएगा। होता क्या है इनमें कि आपको बार बार, अगर ऐसे आप बार बार साइन चेक करते रहें ये रखने पर, तो बहुत टाइम लग जाता है। इस चीज़ का ना आप डायरेक्ट एक तरीका सीखिए, ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। आप ऐसे हर एक इंटरवल को चेक करोगे कि ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा। एक आसान सा तरीका ये है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है, ये हो ये हो ये हो, चाहे ये हो कोई भी हो, आप उसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर बन सकती है मल्टीप्लाई वगैरह कर कुरा के, जितने डिग्री की भी वो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर जो बन सकते हैं, उस वाली टर्म को देखो कि एक्स का साइन कैसा होगा। जैसे यहाँ एक्स का साइन पॉजिटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव से स्टार्ट कर देंगे आप, पॉजिटिव से स्टार्ट कर दें और फिर अल्टरनेट चलते चले जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे ही चलता है, हमें राइट साइड का साइन पता चलेगा यहाँ से कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, दोनों प्लस हैं एक्स, तो यहाँ प्लस से स्टार्ट कर देंगे। प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई से प्लस ही तो मिलना है, यहाँ प्लस से स्टार्ट किया, एक बार ये मिला हमें, प्लस होता चला जाएगा। फिर इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ऊपर भी पॉजिटिव है, मतलब ऊपर का साइन भी पॉजिटिव है एक्स का और नीचे का साइन भी पॉजिटिव है, प्लस और प्लस मिलकर ये भी प्लस रहना है, तो इसलिए ये भी प्लस से हो जाएगा। इसमें एक और ले लेते हैं, जैसे कहीं पर एक्स माइनस थ्री और टू माइनस एक्स लिया, अगर इसकी नंबर लाइन आप बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, एक्स की वैल्यू एक तो टू मिलेगी और एक थ्री मिलेगी, दोनों से दो वैल्यू मिलेंगे हमें, एक्स की एक वैल्यू टू और एक वैल्यू थ्री। अब क्या होगा, ये तीन इंटरवल बने, पहले तो मैं वैसे चेक करके दिखा देता हूँ, जैसे थ्री और इन्फिनिटी के बीच की कोई भी एक वैल्यू फोर डिसाइड कर सकते हैं आप, फोर रखे, एक्स की वैल्यू फोर रखी, फोर रखने पर क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, फोर रखने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स की जगह फोर यूज करते ही प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई से माइनस मिलेगा। देखो बाकी सब में प्लस मिल रहा था, इसमें माइनस मिला, क्यों मिला, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव था ये एक्स नेगेटिव है, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाते हैं इसलिए माइनस मिला। फिर अल्टरनेट चला दो आप, माइनस प्लस माइनस ये हो जाता है। तो ये जो अल्टरनेट चलाने वाला काम है ना, ये उनमें करेगा काम जिनमें इनकी कुछ भी होल पावर नहीं लगी हुई है। ध्यान से देखना, इसमें इसकी कुछ होल पावर नहीं थी, इसमें किसी भी फैक्टर की कुछ होल पावर, मतलब होल पावर टू थ्री फाइव सेवन कुछ भी हो, जैसे इस वाले में एक्स प्लस वन की होल पावर टू है, एक्स माइनस फाइव की होल पावर थ्री है, तो इन वालों में ये अल्टरनेट वाला फंडा काम नहीं करेगा। मैं बताऊंगा इनमें क्या काम करेगा, ठीक है ना। इनका भी आप देख तो डायरेक्ट ही लेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट आपको पता चलेगा, बस एक थोड़ा सा चेंज याद रखना है आपको, इसको करके देखते हैं, ये उम्मीद है समझ में आ गए होंगे आपको। अब जैसे ये वाली है, इसके लिए भी आप एक नंबर लाइन जनरेट करिए, नंबर लाइन लिख ली हमने, वन बाई वन एक्स की वैल्यू निकालनी शुरू करिए। पहले एक्स की वैल्यू एक तो माइनस वन आएगी, माइनस वन आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू टू आएगी, टू लिख दी हमने, यहां से एक्स की वैल्यू थ्री ये भी लिख दी हमने, यहां से एक्स की वैल्यू फाइव। और ऐसा नहीं है कि आप
ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दें। सीरियल ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं ये, -1, 2, 3, 5। अगर कहीं पे एक्स की वैल्यू -4 आती तो वो यहीं लिखना पड़ता हमें, एक्स की वैल्यू 0 आती तो यहाँ लिखना पड़ता। ये सीरियल ध्यान रखना, इसका डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी नंबर लाइन -∞ से +∞ तक है, तो नंबर लाइन के 1, 2, 3, 4, 5 पांच पार्टीशन हो गए नंबर लाइन के। इन पांच पार्टीशन में से किसी में एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसी में नेगेटिव होगी। अब हमें पता कैसे चलेगा? बेसिक मेथड तो वही है कि आप एक्स की, जैसे यहाँ कोई डिसाइड करना है 5 से इन्फिनिटी के बीच की एक वैल्यू ले लो, 6 ले लो, 6 आप इसमें रख के देखो ये पूरी एक्सप्रेशन कैसी आई। पॉजिटिव आई तो प्लस लिख दोगे, नेगेटिव आई तो माइनस लिख दोगे। वो मेथड तो काम करेगा ही सब जगह, लेकिन टाइम लगता है ना भाई उस मेथड में, वैल्यू बार बार चेक करना। अब इसे डायरेक्ट एक बार प्रैक्टिस में ले आओगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब सारे एक्स को देखिए, ये सारे एक्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो यहाँ प्लस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस से स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, जो ओड पावर आएंगी, ओड पावर्स, वे साइन चेंज करेंगी, और जो इवन पावर्स आएंगी वे साइन चेंज नहीं करेंगी। मतलब क्या है, कौन सा साइन चेंज, अभी बात करते हैं। जैसे यहां पर प्लस आया हुआ है ना, तो ये जो 5 है, ये 5 आया तो किसी ना किसी फैक्टर से होगा, उस फैक्टर की आप पावर देखिए। जैसे 5 तो इस फैक्टर से आया था, इस फैक्टर की होल पावर कितनी है, 3 है। 3 कैसा नंबर है, ओड है। ओड है तो साइन को चेंज कर दो, पहले प्लस था चेंज करके माइनस हो जाएगा, ये था मीनिंग, ठीक है। फिर 3 आया, 3 किस फैक्टर से आया, 3 इस फैक्टर से आया। इस फैक्टर की होल पावर कितनी लगी हुई है, 4। 4 तो इवन नंबर है, अगर इवन है पावर तो चेंज नहीं होगा, माइनस था आगे भी माइनस ही जाएगा, ठीक है। 2 मिला हमें, 2, 2 किस फैक्टर से आया, 2 इस फैक्टर से आया। इसकी पावर 1 है, 1 ओड होती है, साइन चेंज कर देगी इसलिए चेंज हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। फिर इस -1 पर आते हैं, -1 वाला फैक्टर ये था, इससे आया था -1, इसकी पावर ओड है, सॉरी इवन है। इवन पावर क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, पहले प्लस चल रहा था बाद में भी प्लस ही चलता चला जाएगा। ये होता है इनके प्लस माइनस का सिस्टम। इस वाले को एक बार वीडियो रोक के आप वापस जाके देखिए एक बार, ये कैसे कैसे मैंने किया। इसे ध्यान रखना, ओड पावर साइन चेंज करेंगी, इवन पावर नहीं चेंज करेंगी, इसीलिए क्योंकि एक और देखते हैं हम, इसी में मैं एक और ले लेता हूं, ठीक है, एक और लेते हैं। जैसे सपोज ये एक्सप्रेशन हमने कहीं ले ली, 3 - x की पावर 4, 2 - x, x+5 की पावर 3, 1 - x की पावर 5, ये ले लिया हमने, और हमें एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है कि ये कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। नंबर लाइन होती है हमेशा -∞ से +∞ तक। अब वन बाई वन हर एक फैक्टर को कंसिडर करें और यहाँ से एक्स की वैल्यू लिखते रहे। यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आएगी, आपने 3 लिख दिया। यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, आपने 2 लिख दिया, 2 3 से पहले ही आएगा। यहाँ से x की वैल्यू -5 आएगी, -5 लिख दिया हमने। इस फैक्टर से x की वैल्यू 1 आएगी, 1 2 से पहले ही पड़ेगा, 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब नंबर लाइन के 1 2 3 4 5 पांच पार्टीशन हो गए नंबर लाइन के। अब इनमें से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले इन सारे एक्स को देखिए, ये नेगेटिव है, एक्स ये नेगेटिव है, लेकिन पावर 4 होने के कारण माइनस वाले की पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव होगा। मतलब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है ना उसकी। ये नेगेटिव है, पावर 1 होने से नेगेटिव ही रहेगा, अपॉन में ये एक्स पॉजिटिव है, पावर 3 है तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये नेगेटिव है लेकिन पावर 5 होगी, अगर माइनस वाले नंबर की पावर 5 करें तो माइनस साइन ही आएगा। अब प्लस माइनस मिलकर ऊपर माइनस नीचे भी माइनस, तो वापस प्लस हो जाएगा, तो इधर वाला साइन पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ इतना सारी कैलकुलेशन करके? अब हमें वन बाय वन ये देखना है, ये जो 3 है, ये 3 है, इस वाले को देखो, 3 इस वाले फैक्टर से आया था, इसकी पावर कैसी है, इवन है। पावर इवन है तो चेंज नहीं होगा, पहले प्लस था बाद में भी प्लस ही रह जाएगा, ओके। अब ये जो 2 है, 2 वाले फैक्टर को आप देखिए, 2 इस फैक्टर से आया था,
इसकी पावर ओड है, क्योंकि वन है ना पावर, ओड पावर है तो साइन चेंज होगा, प्लस था बाद में माइनस हो जाएगा। फिर इस पर आ जाते हैं वन, ये वन इस फैक्टर से आया था, इसकी पावर ओड है, अगर पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था बाद में प्लस हो जाएगा। फिर इस -5 वाले फैक्टर पर आते हैं, -5 वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर भी ओड दी हुई है, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस आ रहा था बाद में माइनस चलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा, माइनस इन्फिनिटी से -5 तक नेगेटिव, -5 से 1 तक पॉजिटिव, 1 से 2 तक नेगेटिव, 2 से 3 तक पॉजिटिव, 3 से इन्फिनिटी तक फिर पॉजिटिव। ओके, तो ये था कंप्लीट वेवी कर्व मेथड आपका। इस तरीके से जब आपको मॉड्यूलस वाले इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने हो तो वहां पर बहुत हेल्पफुल साबित होता है ये। चलिए वापस अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे आते हैं, मॉड्यूलस वाला जो इंटीग्रेशन चल रहा था वापस उसी पर आए। यहाँ मैंने इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंटीग्रेशन के तीनों को समझते हैं वन बाई वन। जैसे यहाँ पर मॉड्यूलस के अंदर एक्सप्रेशन है एक्स माइनस थ्री, तो ये जो एक्स माइनस थ्री वाली एक्सप्रेशन है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है, तो एक्स तो पॉजिटिव ही है, तो इधर प्लस और इधर माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक नेगेटिव, 3 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, इतना काम होगा, ठीक है। अब लिमिट दे रखी है -5 से लेकर 2 तक, -5 इधर पड़ेगा और 2 इधर होगा, सॉरी 2 उधर ही होगा, मैं गलत आ गया, -5 यहाँ यहाँ ले लेते हैं, और 2 तो 3 से पहले ही होगा, 2 यहाँ पर होगा। तो आप देखिए -5 से लेकर 2 तक पूरी एक्सप्रेशन कैसी है, नेगेटिव है, -5 से 2 तक, क्योंकि 3 तक नेगेटिव ही रहनी है ना, तो -5 से 2 तक पूरी नेगेटिव रहेगी। तो ये इंटीग्रेशन में मोड हटाकर माइनस का निशान यूज कर लेंगे, -5 से 2 एक्स माइनस 3 डीएक्स, ये काम आप कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसा इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लेंगे, इस पर आ जाते हैं एक बार सेकंड वाले पर, ये समझ में आ गया आपको, ध्यान देना इसमें कोई लिमिट ब्रेक नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि मॉड्यूलस देख लिया तो हमेशा ही आप लिमिट ब्रेक करेंगे। फंडा क्या होता है, अगर साइन चेंज हुआ तो ब्रेक करेंगे, जब चेंज ही नहीं हुआ, -5 से -2 तक पूरा नेगेटिव ही रहा और हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब यहां पर आ जाते हैं, इसमें देखा हमने एक्स की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो 1 आएगी, 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक पूरा नेगेटिव और 1 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, हर बार यही तो कर रहे हैं हम। अब लिमिट है 2 से लेकर 7 तक, 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ, और 7 यहाँ आएगा, तो आप एक बात बताइए, 2 से 7 तक भी पूरा पॉजिटिव रहना है, तो इसमें भी लिमिट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप मोड को डायरेक्ट हटा देंगे, 2 से 7 एक्स माइनस 1 डीएक्स, और इंटीग्रेशन आसान होते हैं ये, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 का एक्स करेंगे और लिमिट पुट कर देते हैं फिर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। उस पर आ जाए अगर हम, ये वाला इसकी भी नंबर लाइन बना के देखते हैं, इसमें ऊपर से एक्स की वैल्यू 5 आएगी, डिनोमिनेटर से 1 आएगी, ओके, फिर ये प्लस माइनस प्लस तो चली जाएगा, अभी बताया था मैंने दोनों एक्स पॉजिटिव हैं तो प्लस माइनस प्लस चल गया, ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक पॉजिटिव, 1 से 5 तक नेगेटिव और 5 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, ये नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें देखनी है लिमिट -1 से स्टार्ट हुई 6 तक गई, -1 तो यहाँ पर होगा और 6 यहाँ पर होगा, तो आप देख सकते हैं कि -1 से जब 1 तक जाएंगे तो मोड हटाकर प्लस लिखना पड़ेगा, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि -1 से 1 तक एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, प्लस का ही रह जाएगा, बाहर प्लस का निशान है। फिर 1 से 5 तक नेगेटिव तो माइनस का निशान लगाएंगे, 1 से 5 तक एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, फिर 5 से 6 तक प्लस रहेगा तो 5 से 6 तक आप प्लस का निशान लगा देंगे, एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें मैं बता दूं, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो पहले डिवाइड कर लेना, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी, पहले डिवाइड करके अलग अलग कर लेना उसको फिर, ठीक है, इंटीग्रेशन इनके आसानी से हो जाएंगे, लिमिट पुट करके आप काम कर लेना अपना सारा, ठीक है। और मैं एक्चुअल में बता दूं, ये इसमें प्रॉब्लम आएगी लिमिट पुट करने में, क्योंकि डिनोमिनेटर ना कभी भी जीरो नहीं होता है आमतौर पे, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया,
ये कंसेप्चुअली लॉजिक समझने के लिए तो सही है, वैसे ये क्वेश्चन गलत है अगर हम फॉर्मेट से देखें, क्योंकि -1 से लेकर 6 तक इसके बीच में ये 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, जैसे x की वैल्यू 1 आएगी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है ना। तो आमतौर पर लिमिट कैसी दी होती है एग्जाम में, इस तरीके से मिलेगी तुम्हें 2 से लेकर 6 तक। अब 2 और 6 के बीच में तो 1 आता ही नहीं है, और जब 2 और 6 के बीच में 1 नहीं आता तो डिनोमिनेटर 0 होगा भी नहीं। इस स्थिति में क्या होगा अगर 2 से 6 दे रखी है, तो अगर आपको लिमिट 2 से 6 दे दे, देखो ये नंबर लाइन तो हमने इसकी बनाई ली, 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पड़ेगा 1 और 5 के बीच में, और 6 यहाँ पर होगा, 2 1 और 5 के बीच में होगा। अब इसकी आप लिमिट ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि पूरा 1 से 5 तक नेगेटिव था, तो 2 से 5 तक भी नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन बाहर लोगे 2 से 5, और मोड हटाकर माइनस का निशान तो बाहर लगा ही दिया हमने, ये हो जाएगा, और फिर प्लस 5 से 6 तक, 5 से 6 तक पॉजिटिव रहेगी इसलिए प्लस लगा दिया हमने यहाँ पर, एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो अब इसमें कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक भी नहीं है, बिल्कुल सही है अब ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए, ये लिख दिया मैंने बोर्ड पर, तो इन वालों में क्या होता है ना, आप इसकी भी नंबर लाइन बनाएंगे लेकिन आप रफली इसके फैक्टर करके देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, सबसे पहले आपको इनके फैक्टर करने होंगे, और इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, फैक्टर करने तो आते ही होंगे 12th के बच्चे को। अब इसकी नंबर लाइन हमने बना ली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बनाएंगे नंबर लाइन को हमेशा, फिर यहाँ से x की वैल्यू एक तो 3 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब हमने देखा ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट आपने चला दिया, ठीक है। अब हमें पता चला कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, 2 से 3 तक नेगेटिव, 3 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, तो हमें मोड हटाने के लिए ही तो इन प्लस माइनस का यूज करना पड़ता है। अब लिमिट है 1 से लेकर 5, तो आप 1 देखिए कहाँ है, 1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, मतलब लिमिट 1 से 5 तक है। तो आपने देखा 1 से 2 तक तो पॉजिटिव रखना होगा, 2 से 3 तक नेगेटिव, 3 से 5 तक पॉजिटिव, तो मोड हटाकर 1 से 2 कर दोगे लिमिट, 1 से 2 प्लस साइन ले लोगे बाहर, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे आप, सीधा सीधा इंटीग्रेशन है बिल्कुल। 2 से 3 तक नेगेटिव है तो माइनस बाहर लिया, लिमिट 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर 3 से 5 तक पॉजिटिव लिया प्लस, 3 से 5 तक पॉजिटिव, 3 से 5 तक पॉजिटिव लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आप लिख दोगे, ठीक है। ये तो इस वाले का हो गया। अब उसकी बात करते हैं हम, उस वाले में एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो उसके भी आपको फैक्टर करने होंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स के। तो जैसे ही आप एक्स क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर के बारे में सोचें, एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, फिर इसे भी लिख सकते हैं आप एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो इस बार ये 3 फैक्टर मिल रहे हैं आपको। आप एक नंबर लाइन जनरेट कर दें फटाफट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब एक तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी इस फैक्टर से, एक्स की वैल्यू 0, इस वाले से 1, इस फैक्टर से -1, ठीक है। ये सारे ही एक्स पॉजिटिव हैं, तो प्लस माइनस अल्टरनेट हमने चला दिया इसको, ओके। अगर किसी बच्चे को ये प्लस माइनस ना समझ में आ रहा हो तो आप एक्स की वैल्यू डिसाइड कर करके भी साइन चेक कर सकते हैं, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, वो मेथड भी है आपके पास, ठीक है। और अब क्या करें, लिमिट देख लेते हैं। लिमिट है 0 से 4, तो 0 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो हमने देखा कि 0 से लेकर 1 तक नेगेटिव और 1 से 4 तक पॉजिटिव, तो मोड कैसे हटेगा इसका, कि 0 से 1 लिमिट रखेंगे, बाहर एक माइनस का साइन ले लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स, ठीक है। कुछ बच्चे इसे ले लेते हैं लेकिन ये नहीं लेनी आपको, वही लेने, क्योंकि फाइनली इसका भी तो मल्टीप्लाई करके वही लाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो इसका ही कर सकते हो आप इसका इंटीग्रेशन थोड़े ना कर सकते हो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2,
दोनों की मल्टीप्लाई ओपन करनी पड़ेगी आपको, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे। इसलिए फैक्टर वाली फॉर्म में मत लेना, उसमें लेना। और फिर वन से लेकर फोर तक, फिर प्लस वन से लेकर फोर तक एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। फिर मुझे ये सिर्फ लिमिट को ब्रेक करना सिखाना था आपको, लगभग खत्म हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले तो लगभग इसी कैटेगरी के थे आपके। इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कहीं मोड साइन एक्स आ गया, बाहर कुछ लिमिट दी होगी, तो इन वालों में कैसे करें जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। तो उसके लिए एक बार ट्रिग्नोमेट्री के देखते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वालों में भी साइन कन्वेंशन हमें देखना होगा कि कितने किस इंटरवल में साइन पॉजिटिव है। जहां पॉजिटिव है वहां मोड डायरेक्ट हट जाएगा, जहां नेगेटिव है वहां पर माइनस साइन बाहर ले लेंगे। यही तो प्रोसीजर है। अब ट्रिग्नोमेट्री वालों के साइन चेक करने के लिए आप एक चार्ट की हेल्प लेते हैं, ये वाली। यहाँ 0 π/2, π 3 π/2, ध्यान होगा आपको कुछ इस तरीके से बनता है 2π। इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, यानी 0 से π/2 तक तो सारे ही पॉजिटिव होंगे। π/2 से π तक साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। तो ये बातें हैं, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होती, क्योंकि आप इसमें इंटरवल मान लिया -π/2 से लिया, तो आप क्या करोगे, -π/2 देखो यहाँ होगा, -π/2 यहाँ पर होगा, -π/2। -π/2 से स्टार्ट किया आपने, 3π/2 तक गए, 3π/2 पूरा घूम के यहीं आ गया। ठीक है, तो -π/2 से लेकर जब साइन की बात है, साइन किस किस में पॉजिटिव है, साइन इसमें और इसमें पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है। ओके, -π/2 यहाँ पूरा घूम के वापस आए 3π/2 तक। तो जब लिमिट आप ब्रेक करेंगे, -π/2 से 0 तक तो निगेटिव रहेगा, -π/2 से 0 तक तो नेगेटिव साइन एक्स। ठीक है, फिर 0 से पूरा π तक, यहां भी पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव है, तो एक साथ लिख लेंगे, 0 से π तक पॉजिटिव प्लस 0 से π तक पॉजिटिव साइन एक्स। ओके, फिर π से 3π/2 तक नेगेटिव साइन एक्स, π से 3π/2 तक माइनस का लगा दिया हमने, ये हो गया साइन एक्स वाला। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोस का देखें, कोस वाले को ब्रेक करें, -2π था, तो -2π के लिए आप कैसे बनाएंगे, मैं बना के दिखाता हूँ इसी को। तो जैसे -2π है ना, यहाँ जीरो लेते हैं, यहाँ जीरो लेते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज वापस घूम के जाएं तो यहीं पर -2π मिलेगा आपको। देखिए, जीरो से वापस घूमे, इस चीज में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाली चीजें ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे हम दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा, फिलहाल इसे भी समझने का प्रयास करिए। -2π यहाँ था, यहाँ से घूमे हम, यहाँ पूरा जीरो मिला हमें, फिर और आगे गए, 3π/2 यहाँ मिलेगा। यानी हुआ क्या है एक्चुअली, कि यहाँ से स्टार्ट किया -2π, यहाँ होगा फिर वापस -π, -2π से π, -π ये मिल जाएगा। ऐसे अगर चले, यहाँ होगा -3π/2, -2π से -3π/2, -π, फिर -π/2, फिर 0, फिर π/2 से आगे बढ़ेंगे π, फिर आगे बढ़ेंगे 3π/2, और बस यहीं तक की लिमिट हमें लेनी है। ओके, तो आप देखिए, हमें चेक करना था कोस को, कोस कहाँ पर पॉजिटिव, कोस इन दोनों में पॉजिटिव और इन दोनों में नेगेटिव। कोस पहले और चौथे में पॉजिटिव, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव। अब स्टार्टिंग यहां से है -2π से, तो -2π से -3π/2 तक कोस पॉजिटिव रहा, तो जब लिमिट ब्रेक करेंगे -2π से -3π/2 तक, -2π से -3π/2 तक पॉजिटिव प्लस के कोस एक्स डी एक्स। फिर -3π/2 से -π/2 तक आ गए, घूम के देखो यहाँ आ गए थे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे -π/2, तो नेगेटिव रहा, -3π/2 से -π/2 तक कोस एक्स नेगेटिव रहा, इसलिए माइनस साइन बाहर ले लिया हमने। ठीक है, फिर और आगे हम चले, -π/2 तक पहुंच गए, फिर -π/2 से वापस π/2 तक पूरा पॉजिटिव रहा,
प्लस का, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक प्लस कोस एक्स, यहां तक पहुंच चुके हैं हम पाई बाई टू तक। फिर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक नेगेटिव, तो फिर माइनस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक नेगेटिव कोस एक्स, ये वाला है। लेकिन थोड़ा होश पोछ सा हो जाता है, कम समझ में आता है, तो मैं इन दोनों का एक दूसरा बहुत बढ़िया मेथड आपको बता रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड। फिजिक्स में आपने साइन और कोस के ग्राफ पढ़े होंगे। साइन का होते दोनों ऐसे वेव टाइप से के हैं, साइन का यहाँ जीरो से पास करता है इस तरीके से, और कोस का यहाँ से स्टार्ट होता है, और इन सब में यहाँ पर जीरो, यहाँ होता है पाई अपॉन टू, यहाँ पर हो जाता है पाई, हर किसी में पाई बाई टू का गैप करते चले जाओ, यहाँ पर हो जाएगा फिर पाई बाई टू ऐड करेंगे पाई में तो थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू में पाई ऐड कर देंगे तो टू पाई, फिर यहाँ मैक्सिमम पोजीशन पर फाइव पाई अपॉन टू, इस तरीके से इधर आओगे जीरो था, इधर आ गए तो माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, और जी ये हो जाएगा माइनस टू पाई। ओके, ये तो साइन वाला हो गया। एक बार मैं कोस वाले की नंबरिंग कर देता हूँ, बीच में तो जीरो है ही, ये हो जाएगा पाई बाई टू, इसमें भी पाई बाई टू का गैप करते जाएं, ये होगा पाई, यहाँ पर थ्री पाई बाई टू, यहाँ पर टू पाई, इधर आए तो इधर माइनस पाई बाई टू, इधर माइनस पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू घटते चले जाएं आप, इधर ये माइनस पाई, ये वाला होगा माइनस थ्री पाई बाई टू, ये होगा माइनस टू पाई, इस तरीके से। ठीक है, दोनों की मैंने ये साज सज्जा कर दी, ये करना आपको आता होगा, फिजिक्स वाले सर सिखाएंगे आपको या सिखा दिया होगा, बहुत बार यूज होते हैं फिजिक्स में साइन और कोस दोनों के ग्राफ। खैर, अब इन ग्राफ में हमेशा ध्यान रखना, जब ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जाता है, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे चला गया तो मतलब नेगेटिव हुआ, एक्स एक्सिस से ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव। यहाँ आपको ग्राफ में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि जब ये एक्स एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव। जैसे अगर साइन वाले की बात करें, जीरो से लेकर पाई तक ऊपर ही बना हुआ है तो पॉजिटिव होगा साइन, पाई से टू पाई तक नीचे बना हुआ है तो साइन नेगेटिव होगा, टू पाई से फाइव पाई अपॉन टू तक ऊपर था तो पॉजिटिव होगा। इधर बात करें, माइनस पाई से जीरो तक नीचे बना हुआ है तो नेगेटिव होगा, जैसे माइनस पाई से जीरो तक नीचे है तो साइन नेगेटिव होगा, माइनस टू पाई से माइनस पाई तक ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। ये ऊपर नीचे के सिस्टम से आप पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे। जैसे लिमिट दे रखी थी माइनस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक, माइनस पाई बाई टू यहां पर है, यहां पर ये माइनस पाई बाई टू हुआ, और थ्री पाई बाई टू तक, थ्री पाई बाई टू ये है, तो इनके बीच में यहां से यहां तक आप ग्राफ को, साइन वाले ग्राफ को यहां से और यहां तक देखें, इतना पोर्शन में जैसे आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि माइनस पाई बाई टू से जीरो तक नीचे बना हुआ था ग्राफ, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो तक नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव आ गया बाहर। ठीक है, फिर जीरो से लेकर पाई तक ऊपर बना हुआ है तो पॉजिटिव होगा, जीरो से पाई तक ऊपर बना हुआ है पॉजिटिव हुआ, फिर यहीं तक जाना था हमें, पाई से थ्री पाई बाई टू तक नीचे आया तो पाई से थ्री पाई बाई टू तक नेगेटिव हुआ। तो ग्राफ से हमें बिल्कुल ये बातें क्लियर दिखाई दे रही है, जो आप चार्ट से ज्यादा अच्छे से शायद समझ नहीं पाए होंगे, इससे क्लियर आ जाएंगे। कोस वाले को देखते हैं, कोस वाला ग्राफ था माइनस टू पाई से लेकर थ्री पाई बाई टू तक देखना है हमें, माइनस टू पाई यहां पर है, माइनस टू पाई, और थ्री पाई बाई टू ये रही, थ्री पाई बाई टू मार्क कर लिया, यहां से वहां तक पूरे ग्राफ को एनालाइज करना है, जितने पोर्शन में ऊपर रहेगा पॉजिटिव रखेंगे, जैसे माइनस टू पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू तक पॉजिटिव है तो माइनस टू पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू तक पॉजिटिव रखा हमने मोड हटाकर, फिर माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक नीचे चला गया इसलिए नेगेटिव है, तो माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू तक नेगेटिव रखा था हमने, चार्ट से भी यही आया था, फिर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक ऊपर बना हुआ है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक पॉजिटिव, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू तक नीचे चला गया इसलिए नेगेटिव होगा, तो पाई बाई टू से थ्री
पाई बाई टू तक नेगेटिव लिया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वालों का ब्रेकेज था साइन, ये जो लिमिट हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिमिट ब्रेक कर सकते हैं इसमें। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो एक्चुअली आती है जब आपको इस टाइप के दे दें कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री वालों का कॉम्बिनेशन। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत स्पेशल है जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप समझ जाना कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। इसमें बहुत सारे लॉजिक लगने वाले हैं क्वेश्चन में, बहुत स्पेशल है। एक्स इंटू साइन पाई एक्स के ऊपर मोड लगा हुआ है और लिमिट है -1 से लेकर 3/2 तक। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यही है कि आपको जो भी मॉडुलस के अंदर की एक्सप्रेशन है उसका साइन चेक करना होता है कि वो एक्स की किस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है और किस इंटरवल के लिए नेगेटिव है। ये चेक करना होता है कि एक्स की किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव। तो हमें एक्स इंटू साइन पाई एक्स का साइन देखना है, एक्स इंटू साइन पाई एक्स को चेक करना है ये कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। एक्स का तो हमें पता है, इसमें दो चीजें आ गई एक्चुअली, इसमें आ गया एक्स और इंटू साइन पाई एक्स, दो चीजें आ गई। एक्स का तो हमें पता है कि जब -1 से 3/2 तक हम जाएंगे तो -1 से 0 तक तो एक्स नेगेटिव रहेगा, -1 से 0 तक नेगेटिव और 0 से 3/2 तक पॉजिटिव, एक्स का तो हमें पता है। बात आती है साइन पाई एक्स की। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि साइन का एंगल कहाँ से कहाँ तक है। आप यहाँ लिखेंगे कि जो एक्स है वो हम -1 से लेकर 3/2 तक का कंसीडर कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू -1 से 3/2 तक हमने ली है। साइन का एंगल क्या है, पाई एक्स है। तो पाई एक्स की वैल्यू, इसके लिए पाई की मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, माइनस पाई से लेकर 3π/2 तक। यानी इस बार क्या हुआ कि जो साइन का जो एंगल है, पाई एक्स है ना, साइन का जो एंगल है वो एंगल -π से 3π/2 तक कंसीडर किया गया। तो उसके लिए आप साइन का एक बार ग्राफ बना लें। ये साइन का हमने ग्राफ बना लिया। साइन में यहां 0 होता है, यहां पर -π/2, यहां पर होगा -π, फिर यहां पर पाई हो जाएगा और यहाँ होगा 3π/2, ठीक है। आप π/2 π/2 का गैप करते चले जाएंगे, मिल जाएगा आपको ये सारे, सबके बीच में π/2 π/2 रहता है इसमें। तो हमने ये देख लिया कि जब साइन का एंगल -π से 0 तक होगा तो ग्राफ नीचे है, मतलब नेगेटिव होगा। जब 0 से पाई होगा तो पॉजिटिव होगा, और पाई से 3π/2 तक होगा तो नेगेटिव होगा। यानी हमें ये पता चल गया, यहाँ पर आप हल्का सा लिख लें कि साइन पाई एक्स, क्योंकि एंगल पाई एक्स दे रखा है, इक्वल टू, और मैं सिर्फ यहां पर प्लस माइनस लिख देता हूं, ये नेगेटिव होगा। कब होगा, जब पाई एक्स की वैल्यू -π से लेकर 0 तक हो, क्लियर है। जब पाई एक्स की वैल्यू -π से 0 तक है तो नेगेटिव होगा, ओके। यही 0 से पाई तक पॉजिटिव हो जाएगा। जब पाई एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पाई से 3π/2 तक, जब पाई एक्स की वैल्यू पाई से लेकर 3π/2 तक होगी तो यही वाली एक्सप्रेशन फिर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि पाई से 3π/2 तक फिर नीचे चला गया अगर आप। तो ये साइन पाई एक्स के पता चले हमें साइन कन्वेंशन, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। लेकिन ये पाई एक्स दे रखा है यहाँ पर, हमें देखना है एक्स की वैल्यू को कि जब पाई एक्स की वैल्यू -π से 0 तक है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इनको आप पाई से वापस डिवाइड कर दें, तो साइन पाई एक्स इक्वल टू क्या क्या आएगा, देखो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा जब एक्स की वैल्यू, इस बार एक्स की निकाल रहे हम पाई से डिवाइड करके, एक्स की वैल्यू -1 से 0 तक हो। जब एक्स की वैल्यू -1 से 0 तक है तो ये नेगेटिव रहेगा, ओके। फिर पॉजिटिव रहेगा, कब रहेगा पॉजिटिव, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक हो, क्योंकि पाई से डिवाइड कर दिया, 0 को पाई से करेंगे 0 ही रहेगा, पाई एक्स पाई को पाई से करेंगे 1 हो जाएगा। फिर यहां भी पाई से डिवाइड करें तो एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 3/2 तक, तो 1 से 3/2 तक ये साइन पाई एक्स नेगेटिव है। तो अभी तक हमें साइन पाई एक्स के पता चले हैं यहाँ पर प्लस माइनस वगैरह की क्या क्या होगा, ठीक है ना।
अब इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है एक्स की, तो एक्स इंटू साइन पाई एक्स देखते हैं, मतलब एक्स की मल्टीप्लाई कराने पर क्या मिलने वाला है हमें। देखो जब एक्स माइनस वन से जीरो तक है, अगर एक्स माइनस वन से जीरो तक है तो एक्स नेगेटिव होगा, माइनस वन से जीरो तक है अगर एक्स की वैल्यू तो वैल्यू नेगेटिव होगी ना, मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। और माइनस वन से जीरो तक साइन पाई एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, ये वैल्यू भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो माइनस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे तो पॉजिटिव मिल जाएगा हमें। माइनस वन से लेकर जीरो तक अगर इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में एक्स नेगेटिव, साइन पाई एक्स भी नेगेटिव, दो नेगेटिव वैल्यू की मल्टीप्लाई करने से हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। इसी तरीके से जब जीरो से वन की बात करें, जीरो से वन होने पर जैसे ही एक्स जीरो से बड़ा होगा, एक्स तो पॉजिटिव हो गया, एक्स हो गया आपका पॉजिटिव, और साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव है जीरो से वन तक, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों की मल्टीप्लाई होने से फिर हमें प्लस ही मिलेगा। जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर वन तक है तो प्लस, उसके बाद जब एक्स की वैल्यू वन से थ्री अपॉन टू तक है, अगर एक्स की वैल्यू वन से थ्री अपॉन टू तक है तो एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन साइन पाई एक्स नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई से माइनस मिलेगा हमें। कब? जब एक्स की वैल्यू वन से लेकर थ्री बाई टू तक है। इतना काम हमने कर लिया। अब हमें एक्स साइन पाई एक्स के, एक्स इंटू साइन पाई एक्स के साइन हमें क्लियर हो गए कि जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से पूरी वन तक आप ले लो, दोनों में पॉजिटिव है ना, तो इकट्ठी ले लो माइनस वन से वन तक प्लस रहेगा ये। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसे हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन तक प्लस का ही एक्स साइन पाई एक्स, और जब एक्स की वैल्यू वन से थ्री बाई टू तक, क्योंकि लिमिट थ्री बाई टू तक जानी है इसकी, देख लो थ्री बाई टू तक, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 से 3 बाई टू तक तो ये नेगेटिव रहेगा, माइनस का निशान लगाओगे, लिमिट 1 से 3 बाई टू एक्स साइन पाई एक्स। ये इतना काम हमने कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसके इंटीग्रेशन में आप आईलेट वाला यूज कर लोगे, आईलेट वाला की फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करके मल्टीप्लाई रूल लगा के आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ये, वहां से भी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो एग्जाम्पल में एक बार देख लेना, मल्टीप्लाई रूल से इसका हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये था, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था इसका, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे आप तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में इसी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे बहुत मजबूत करिए टॉपिक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में कभी ना कभी मिल जाता है ये, ठीक है। हर साल किसी न किसी सेट में एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। हाँ एक और रह गया, मैं उसे एक और डिस्कस कर लूँ। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें एक मॉडुलस ये है, एक ये है, एक ये, तीन अलग अलग टर्म है ना, तो आप यहाँ से तीन अलग अलग इंटीग्रेशन क्रिएट कर लो। ये मोड एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लिमिट वन से फाइव तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, फिर दूसरा इंटीग्रेशन यही लिमिट वन से फाइव एक्स माइनस टू, ये दूसरा इंटीग्रेशन हमने इस एक से तीन अलग अलग बना लिए, ये क्वेश्चन अलग इंडिविजुअली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, बिल्कुल लिमिट आपको पता है सारी, और तीसरे वाले में भी लिमिट वन से फाइव मोड एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसके बाद इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू वन पर चेंज होना था, वन से पहले नेगेटिव, वन के बाद पॉजिटिव, तो वन से फाइव है ना ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी लिमिट वन से फाइव एक्स माइनस वन डी एक्स, ये तो हो ही जाएगा, इसमें ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वन से फाइव तक है और वन से फाइव तक ये पॉजिटिव रहेगा। ऐसे अगर इसकी बात करें तो टू से पहले नेगेटिव होगा, टू के बाद पॉजिटिव होगा, तो वन से टू तक नेगेटिव रहेगा, इसलिए माइनस वन से टू एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस टू से लेकर फाइव तक एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है। इसकी बात करें ये थ्री से पहले नेगेटिव, थ्री के बाद पॉजिटिव, तो इसमें भी माइनस वन से थ्री तक तो नेगेटिव ले लिया हमने, इसे माइनस का निशान लगाया, और जी थ्री से फाइव तक इसी पर हमने प्लस का निशान लगा दिया। तो ये वाला थे, इसके बाद सबके इंटीग्रेशन अलग अलग करो और फाइनल आंसर उठा लो। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये आसान है। तो जितना भी मैक्सिमम मैं बता सकता था आपको मॉडुलस के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, दो तीन बार देखना वीडियो को, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ओके।